नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पटना के गांधी मैदान में 2 नवंबर के दिन सीएम नीतीश कुमार शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है और अब इस पूरे मामले में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जांच की बात कही थी और अब जीतन राम मांझी ने बयान देते हुए कहा है कि 2 नवंबर के दिन नियुक्ति पत्र सौंपना गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीपीएससी में धांधली की बात कही है जीतन राम मांझी ने। क्या कुछ कहा है पहले आप ये सुनिए। इस संबंध में हमने अपनी बातें कही और उस प्रकार के लोग हमारे पास मिले हैं। हमारे पास कुछ जदयू के साथी और लोग बोलते हैं कि जीतन मांझी ऐसे ही बोलते हैं, प्रमाण दें, तो हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण का जिस्ट यही है कि 11 एवं 12 के शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन, जिसको डीवी कहते हैं, कि दौरान कुल 1698 अभ्यर्थी अजोग पाए गए हैं, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। परीक्षा फल के पहले जब दस्तावेज डीएवी का सत्यापन जो हुआ तो अयोग्य पाए गए थे उनमें घोषित योगदान करवाया जा रहा है, यानी कि जो आयोग पाए गए थे उनको भी घोषित किया गया, जो ये प्रमाण है। और डीए भी कहते हैं सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हमारा कहना है कि हर परीक्षाएं में कम से कम 5% से 10% लोग अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ क्या है, इस परीक्षा में जब लाखों लोग दिए हैं तो मात्र 125 या 126 अब्सेंटिव बताए गए हैं, जो एकदम असंभव है। अगर एक केंद्र पर एक भी अब्सेंट होंगे तो बिहार में कितने केंद्र थे, तो हजारों केंद्र पर तो कम से कम उतना तो अब्सेंटिव माना जाता, लेकिन उतना अब्सेंट नहीं माना गया है। एक चीज़ है, इसके आधार पर भी हम कहते हैं। और दूसरा है कि परीक्षा के अनिवार्य विषय में अनुपस्थित एवं असफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 दिखाई गई है, जो अभी हम कहे हैं, जबकि वास्तविक रूप में इससे कहीं अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिसकी चर्चा हम पहले कर दिया। ये भी प्रमाण है, आपके यहाँ दस्तावेज है, आप देखिए कितने लोग हुए हैं, कितने अनुपस्थित हैं और कितना को अनुपस्थित आप बताए हैं। फिर ये कहा गया है कि जो परिणाम आ गया है परीक्षार्थियों का, उनको ORM में कई महत्वपूर्ण कॉलम नहीं भरे हैं, लेकिन उनको भी योग पाया गया है। और परीक्षा फल के बाद अभ्यर्थियों के परीक्षा के बारे में भरे गए फॉर्म एवं दस्तावेज का जो संशोधन का अवसर दिया गया है, ये क्या है। नियम है कि परीक्षाएं होती है, परीक्षा फॉर्म भरा जाता है, जिनका फॉर्म ठीक नहीं होता है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब आप यहाँ रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः आप वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है। इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता की बू आती है और उसी रूप में हमारे लोगों ने जो दिया है कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोला है, उसमें एक जगह बात आई है कि STET 2019 के एडवर्टीजमेंट संख्या 100 की कंडिका संख्या 7 का एवं 9 में अभ्यर्थी को भारत के नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का नागरिक होना जरूरी बताया गया है। इसका उल्लंघन करते हुए सीरियल नंबर से कहा जाए दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है, तो ये अनियमितता नहीं है तो क्या है। इसी को हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं यही किया गया है। दूसरा चीज़ में है कि STET 219 में सम्मिलित होने की आयु 1/8/98 के पूर्व की थी, जबकि इसके बाद जन्म लिए अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल किए गए हैं। समझी गई हुई बात हमारी, कि हमारी बात ये नहीं है STET 2019 में सम्मिलित होने की आयु 1/8/98 की पूर्व की थी, एडवर्टीजमेंट में बात थी, और इसमें बहाल किया गया है उसके बाद में जन्म लिए हुए लोगों को मेधा सूची में शामिल किया गया,
ये प्रमाण नहीं तो और क्या है, एक ही है। और इसी तरह से हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है जो बिहार प्रोड्यूसर कमीशन के लोगों को देंगे और उसमें बताएंगे, सबूत है हमारे पास कि काफ़ी धांधली हुई है, इस धांधली को सुधार करना चाहिए। और सुधार करने के बजाय फिर सुनते हैं कि डेट उन्होंने तय कर लिया है कि अमुक डेट से परीक्षा होगी। तो ये मेरा कहने का मतलब कि जिस प्रकार से पहले परीक्षा आप लिया है उसी प्रकार से फिर परीक्षा लीजिएगा, उसी पर क्या है कि अनियमितता होगी। इसीलिए हम समझते हैं कि ये अन्याय हुआ है। और एक चीज़ और है, माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश आदेशानुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में TRE एडवर्टीजमेंट 26/2023 के में सिर्फ संगीत विकास विषय के अभ्यर्थियों को STET 203 में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की वेरीफाई कॉपी का योग माना गया है, माने उस डेट के बाद माना गया है, और बाकी सबको नहीं माना गया है। लेकिन इसी संगीत टीचर के जो अर्हता दिखलाई गई है उसी के अनुरूप मान करके दूसरे को भी दिया गया है। उसमें देखिए अनुलग्नक 12 में उसका नाम दिया गया है, और फिर ये भी मान लिया गया कि सत्यापित किया गया है जिसमें NCA या EWA या डोमेस्टिक सर्टिफिकेट 12/7/23 के बाद का है। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना विभाग के ढुलमुल नीति या योग अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाने गया है। हमारा कहने का मतलब है ये काफ़ी है और इसी में हम लोग इसको जोड़े हैं और जोड़ करके दे रहे हैं, और पूरा एक सबूत है और इसकी जांच हो। अब ये जांच होने के बाद यानी इसका फलाफल आने के बाद ही कोई नई परीक्षा ली जाए, ये उचित होगा। और नहीं तो पहले परीक्षा ले जाने का मतलब है कि आप लिपापोती पहले भी किए हैं फिर भी लिपापोती किए हैं, ये हमको इस समय का बिहार से। तो देखिए कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी की गई है, जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं उसमें भी गड़बड़ी की गई है। कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि जो उनके रिजल्ट आए हैं वो कट ऑफ से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पासिंग मार्क्स नहीं दिया गया। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन इस बीच अब जितिन राम मांझी की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।